पतंजलि जी का जो है उसमें देखोगे एक स्वच्छता पर बहुत ध्यान है पतंजलि जी का देखोगे तो अब जानते हो छुआछूत भारत में कहाँ से आया, छुआछूत इसी सफाई से आया है। भारत में छुआछूत जो है कि ये गंदा है, अस्पृश्य है, ये छुआछूत की उत्पत्ति वास्तव में देखी जाए तो ये इसी योग की विधि से है जो कि स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, शौच पर। उसके कारण ही छुआ, अगर तुम शैव पंथियों में देखोगे तो शैव पंथ में ये सब इतना जितना ये सब नहीं है। हड्डी में खा रहे हैं, कपाल में खा ले रहे हैं, मुर्दा पर बैठ के खा रहे हैं, भस्म पोत रहे हैं, हाँ वो जो है वो मस्त मौला है। और ये जो सफाई करने वाले हैं इनका गाल मुँह लटका रहेगा, थोड़ा सा गंदी कहीं इसको दिख गया कहीं कुछ दाग, ओ गंदा है, उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक में रह रहा है और क्या कहते हैं चाइल्ड्स में रह रहा है, इसी में उसी सब चमक चमक पहन रहा है, अब उसको थोड़ी सी गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है, माने आपको दिमाग में विकृति पैदा कर रहा है। मुख्य बात यहाँ ये है, हम वहाँ गए हैं अपने इस जो द्वंद है इस द्वंद से मुक्त होने के लिए। क्या सफाई और क्या गंदगी, क्या सुर और क्या असुर, भगवान शिव की आराधना इसी में ना, सुर और असुर दोनों आराधना करते हैं, विष्णु की नहीं करते। तो वहाँ जो है आप इनसे मुक्त होने के लिए गए, वहाँ भीड़ भीड़ से परेशानी थी, याद है हम लोग जब वहाँ गए थे बासुकीनाथ, हम उनको हमने कहा कि अभी तो वहाँ भीड़ में परेशान हो गए, इतनी भीड़ से उसे कि आप जिस चीज से भाग रहे थे आपको करीब डेढ़ घंटा के आसपास तक जो है भीड़ में, डेढ़ घंटा से मुझे बासुकी का है अब भीड़ ज्यादा है भाई, इतनी भीड़ है ये। अरे भाई भीड़ है तो तुम्हारे लिए खाली थोड़ी ना मंदिर बना है, सबके लिए ना बना है, सभी लोग ना आएंगे, तुम्हारे लिए स्पेशल तो कुछ बना है ना, तुमको बुलाया नहीं गया, तुम आए अपनी मर्जी से हो, नहीं तुमको लाइन में लग रहा है नहीं भीड़ से, तो भाई अपना दूसरे जगह रास्ता देखो, यहाँ नहीं क्या जरूरत है। हाँ और दूसरे जगह तो भाई पैसा ज़्यादा दे करके और जल्दी से टिकट कटा करके जल्दी से हो गया, लेकिन वहाँ तो सब सामान सामान्य था, तो सामान था तो वहाँ डेढ़ घंटा में लाइन लगेगी भाई आएगी, अब वो तो अभी कुछ भी भीड़ नहीं है, अगर जाते सावन में तब पता चलता भीड़ क्या होती है, तो उससे पूरा अस्त व्यस्त हो गया मस्तिष्क। यह योग की जो है ना, आप अपने माइंड को टेस्ट कीजिए इस तरह से कि हम जो भीड़ में, तो भीड़ को एंजॉय करो ना भाई, जब सफाई में सफाई को एंजॉय करो। हाँ योग का मतलब वही है कि आपके माइंड में जो है विकृति नहीं आनी चाहिए। पूरे शास्त्र में द्वंद से मुक्त होने की ही बात की गई है, आपको ये सारे द्वंद्वों को देखना है, पता चला स्वस्थ हैं तो राम राम पुकार रहे हैं, हाँ और दिल से पुकार रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और जब बीमार हो गए तो भगवान को भुला गए, रोग रोग रट रहे हैं, दवाई दवाई रट रहे हैं, यही हो रहा है। हाँ आपको हर स्थिति में द्वंद से मुक्त होना है, और ये क्या स्वास्थ्य और क्या रोग, शरीर है तो रोग रहेगा ही, बीमारी आएगी, शरीर है शरीर तो व्याधि है, हम बहुत ही चीज ले रहे हैं तो उसका केमिकल तो हमारे शरीर में आएगा, तो विकृति आने आनी, तो हर तरह के जो द्वंद हैं उनसे आपको मुक्त होना है, यह मुख्य चीज है। और वहाँ पर यही असली चीज है, हाँ इसी में आदमी फंसा हुआ है, और इसी फंसा हुआ है, इससे मुक्त नहीं द्वंद में, जब तक आप इस द्वंद में रहेंगे तब तक आप आध्यात्म की चर्चा कर लेंगे, बातें कर लेंगे, आध्यात्म हो नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाए हो नहीं पाएंगे, आध्यात्म हो नहीं पाएंगे, और इसीलिए भगवान ने टेस्ट किया, देखो एक सफाई वाला जगह भी दिखा दिया, एक गंदगी वाला भी, अब देखते हैं इन लोगों की स्थिति क्या होती है आसान तरीके से भी और जब भीड़ वाले में भी, अब देखो इनकी स्थिति क्या होती है। प्रभु ही ना सब टेस्ट लेते हैं, ऐसा वातावरण देते हैं, देखते हैं कि इसका माइंड कितना परिपक्व हुआ है, कितना परिपक्व हुआ है, क्या विपरीत परिस्थिति में रह सकता है कि नहीं, कि विपरीत के प्रति कंप्लेनेंट हो जाता है, हाँ शिकायतों से भर जाता है। जन्मदिन मनाने में खुश हो जाते हैं, मरण दिन मनाने में तो गाल मुँह फुला लेते हैं।
तो परमात्मा को धोखा थोड़ी दे सकते हैं, जबकि दोनों एक ही है। बस समझने का फिर मरण दिन में भी देखेगा कि ये मुस्कुरा रहा है कि नहीं। मरण दिन में भी मुस्कुरा सकता है तो मतलब कि ये बच्चा पास हो गया। जैसे जैसे इंसान सरल होता जाता है, सहज होता जाता है, उसको हर चीज़ दिखाने लगते हैं, दिखने लगता है क्या, हाँ क्या क्या, आपको कुछ अंतर मतभेद समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सब तो उन्हीं का है, उसमें भी आप उसी तरह रहेंगे, उसमें भी आप उसी तरह रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तनाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। अगर कहीं हमें किसी चीज़ से प्रेशर हो रहा है, मानसिक रूप से हम उलझन में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी उस कमी है, हम उस चीज़ को नहीं समझते। या तो जो उलझने हैं उस उन उलझनों को एंजॉय कीजिए ना। हाँ, वही करें, उसको भी ईश्वर ईश्वरीय मानिए। अगर नहीं तो उलझने भी ईश्वरीय हैं, उसको हम नहीं समझ पा रहे तो हमारा कहीं ना कहीं तनाव, उसको भी समझ। धोखाधड़ी यार पैरवी बहाने चलेगी। रवि भाई आप इस लायक हैं, वो देख रहे हैं तो आपकी पैरवी खुद ही कर देते हैं कि चलो आओ मेरे पास।